हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर इंडियन नेवी एमआर का न्यू बैच कब से शुरू कर रहे हैं, यानी कि उनका डेली कमेंट आता है कि सर बैच स्टार्ट करो, बैच स्टार्ट करो। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं, क्योंकि जितने भी मेरे टाइम टेबल है, स्टार्टिंग जो डेट है कि कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस टाइम चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है। जो बच्चे को लगता होगा कि इस बार मुझे एमआर में जाना है या फिर इंटरेस्टेड है तैयारी करने का, तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और जो भी लोग अभी हैं, जितने भी हैं इंस्टाग्राम पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किए PDF के लिए, तो जाके वहाँ पर आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग का अभी एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी तो मतलब कि आज धनतेरस हो गया, ठीक है। तो दिवाली है हम लोग का 27 को, है ना। तो 27 को तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 28 तो कोई करेगा नहीं प्रिपरेशन अगर हम चाहें तो भी। तो 28 को तो मतलब छोड़ दो, मतलब ये पूरा महीना निकाल दो, ठीक है। तो एक बीच दो का आपका होता है छठ पूजा, दो का है ना छठ पूजा, तीन का दूसरा अर्घ हो जाएगा, सेकंड होता है जो पूजा। तो ये दो तारीख तक यानी तीन तारीख तक तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब चार का आ जाओ, चार बीच आपका जो पाँच से स्टार्टिंग हो जाए बैच, वो न्यू बैच है, ठीक है। एमआर के लिए जो स्पेशल हमारा क्लास चलेगा 5 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, 5 नवंबर से, ठीक है। नोट कर लीजिए, पहला स्टेप है 5 नवंबर से हम लोग का एमआर के लिए स्पेशल बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब रहेगी कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग तैयारी करेंगे, देख लीजिए। मैथ होता है, ठीक है, मैथ हो गया एक, उसके बाद साइंस हो गया, उसके बाद हो गया आपका GK, मैथ साइंस GK, और करंट अफेयर्स का होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो आप टेंशन मत लेना। तो सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट अभी समझते हैं मैथ साइंस GK, ठीक है। तीन चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम लोग का GK का जो सेशन आएगा, ये आएगा हम लोग का मतलब कि लगभग 3 बजे के आसपास, ठीक है। ये आएगा 6 बजे के आसपास साइंस का, 3 बजे GK, 6 बजे साइंस और 9 बजे मैथ, ठीक है, रात तक। यानी कि तीन मतलब कि आप लोग रात शाम का ही क्लास रहेगा, जो भी क्लास है शाम का ही चलेगा। दिन में हो सकता है तो एक टेस्ट सीरीज मैं ले सकता हूँ, वो फ्री है, जो कि मैं आपके लिए इस बार कुछ बदलाव भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ कुछ भी लिए हैं सामान जो भी हमने यूट्यूब से इनकम किया, मान लीजिए। तो लैपटॉप मतलब सोच रहे कि लेने के लिए कुछ अपने पैसे मिला के, तो अगर हो जाए वो सही रहेगा। और कुछ कुछ मतलब सोच रहे हैं, तो आपको जो भी होगा सारा चीज़ आपको दिया जाएगा, सब चीज़ मतलब जो भी होगा मेरे तरफ से सब चीज़, ठीक है। तो यही टाइम टेबल है, याद कर लीजिए, 3 बजे GK, ठीक है, 3 बजे शाम को GK का क्लास चलेगा 5 नवंबर से। उसके बाद हो गया आपका साइंस के, हो जाएगा 6 बजे, और 9 बजे हो जाएगा मैथ का, ठीक है। नोट कर लीजिए आपका एक टाइम, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट बनते हैं, अब मत पूछिएगा कि सर न्यू बैच कब से स्टार्ट करें, कर दीजिए वैसे वैसे। मैंने किया था, तो फिर से एक न्यू बैच क्या होता है ना कि बच्चे थोड़ा सा वो होते हैं ना कि करते करते फिर छोड़ देते हैं, तो इस बार हम उनके लिए थोड़ा सा कुछ बदलाव करेंगे, कुछ कुछ ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए अपडेट था, और आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को भरना, आएगा दिसंबर में आ जाएगा, लास्ट दिसंबर में फॉर्म भर देना, कुछ नहीं होगा। और जो भी होगा डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूंगा कि इतने इतना डेट ऑफ बर्थ है, एक वीडियो मैंने बना रखे हैं, उससे जाकर देख लीजिए नेक्स्ट वैकेंसी के ऊपर कि उसमें क्या क्या डेट ऑफ बर्थ रह सकती है, ठीक है। तो बस ये कुछ आप लोग बताना था, और आप लोग टेंशन मत लो बिल्कुल क्लास के लिए, क्लास तो स्टार्ट होगी होगी, ऐसा नहीं है कि डिले होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा दिवाली के लिए और छठ पूजा में थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि हर वर्क में डिले हो रहा है, तो भाई पढ़ाई में तो ज़रूर होगा ना, क्योंकि खुशियाँ ये जो होता है, मान लीजिए कि दिवाली है बार बार नहीं आएगा, छठ पूजा मतलब साल में तो ही आता है ना, बार बार थोड़ी ना आता कि 6 महीने में आ गया फिर 2 महीने, तो ये चीज़ें होता है, ठीक है। तो एक बार जो साल में आते हैं उसे थोड़ा सा उससे इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो बस मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।